दोस्तों घरेलू स्विच बोर्ड के अंदर किस तरह से रिमोट कंट्रोल सेटअप किया जाता है, जिससे रिमोट से लाइट बल्ब फैन आप चला सकते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 4 पॉइंट यूज लेंगे ये कंट्रोलर। ये कंट्रोलर के अंदर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर 2 न्यूट्रल फेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो येलो कलर का वायर ये पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, स्विच के एरिया में कनेक्ट करना है, जिसमें आपका लाइट बल्ब फैन ऐड ही है। तो यहाँ पर चारों स्विच के अंदर एक एक करके इस तरीके से आपको ऐड कर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो फेज कनेक्शन नजर आ रहा है, ये लूपिंग कनेक्शन के अंदर ऐड करना है इस तरीके से, जिससे करंट मिले। अब यहाँ पर न्यूट्रल की बारी आती है, तो ये सॉकेट वाले न्यूट्रल में ऐड कर देना है इस तरीके से। कंप्लीट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, और ये फेज कनेक्शन है जो कि लूपिंग से कनेक्ट है, और ये न्यूट्रल कनेक्शन जो कि सॉकेट में है। अब इसे टेस्टिंग करेंगे किस तरीके से, यहाँ पर सेटिंग हो गई। अब यहाँ पर रिमोट कंट्रोल को ऑन करेंगे, ये देख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे रिमोट कंट्रोल से अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन यदि अगर आपका रिमोट कंट्रोल खराब हो जाता है, तो आप स्विच से भी वर्क कर सकते हैं। हो गया ना 2 इन 1 वर्क। इलेक्ट्रिक साइंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।